क्योंकि भाई एक चीज़ अभी तक मैंने टेस्ट नहीं की थी वो था इसका हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, एक नंबर कटिंग है भाई। तो थोड़ा सा भगा के देखते हैं भाई इसको। ये भैया रॉन्ग साइड में क्यों आ रहे हैं यार? तो हेलो भाई लोग, विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सबसे पहला सवाल है मेरा, कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल व्लॉग में बनाता हूँ तो लोग नहीं देखते हैं, और कुछ काम की चीज़ें अगर बनाता हूँ तो वो देखते हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि हमेशा तो मैं मतलब कि भाई हमेशा मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं नॉर्मली उठ के चला जाता हूँ और व्लॉग शूट कर लेता हूँ, जैसे कि भाई अभी भी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं व्लॉग शूट करने आया हूँ। हालाँकि एक चीज़ है, एक नई चीज़ है अपने पास, अभी अपने हाथ में है TVS राइडर। तो ये भाई TVS की राइडर, फुल्ली न्यू एडिशन है भाई। इसके बारे में अगर आप लोग रिव्यू चाहते हो या फिर इसके बारे में कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, और इसके ऊपर अगर पूरा डिटेल रिव्यू वाला वीडियो चाहते हो तो वो भी मेरे को कमेंट में बताओ, है ना। बाकी एक चीज़ है भाई, अच्छी चल रही है, लगभग मेरे NS जैसी ही है, पावर हो गई या पिकअप हो गई, पावर तो मुझे फील हो रहा है NS जितना ही फील हो रहा है लगभग। लेकिन हाँ, एक जो बड़ी बाइक चलाने का जो फील होता है ना भाई, मैं सच बताऊँ तो मुझे इसमें नहीं आ रहा है। मतलब मेरी NS में मुझे फील आता है कि हाँ मैं एक बड़ी बाइक चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई बाकी भाई अच्छी भाग रही है यार। और प्लस पॉइंट एक चीज़ और है इसमें कि भाई मेरी NS में ना यहाँ पे गियर वगैरह दिखाता नहीं है कि कितने गियर पे चल रही है गाड़ी, लेकिन इसमें शो करता है भाई, अभी 5th गियर में ये शो कर रहा है भाई, समझ रहे हो। और एक चीज़ और है कि भाई इसका हॉर्न बड़ा मद्दा है, ठीक है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो पता भी नहीं चलता भाई गाड़ी कब स्टार्ट हो गई है, समझ रहे हो। पहले यहाँ से अपन लेंगे यू टर्न, उसके बाद आगे की बातें आपसे आगे चल के करते हैं। तो थोड़ा सा भगा के देखते हैं भाई इसको। बाकी भाई अच्छी भाग रही है यार, देखो सच बताऊं बढ़िया भाग रही है गाड़ी, एक नंबर चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पावर इसमें कम वगैरह होने वाली है, पावर बढ़िया है, एक नंबर पावर है भाई, पावर का कोई भी इशू नहीं है इसमें। जिन लोगों को लगता है ना भाई कि पावर कम होगी, भाई 125 cc के हिसाब से मतलब बढ़िया पावर है भाई, समझ रहे हो, है ना। और एक चीज़ और कि भाई इसमें कटिंग बड़ी प्यारी है, कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी भाई कोई भी मेरे को ये चीज़ मत कमेंट करना यार कि देखो आज मैंने ना ही राइडिंग ग्लव्स वगैरह पहने हैं, ना ही राइडिंग शूज़ वगैरह पहने हुए, नीचे देख सकते हो कुछ भी नहीं है, है ना। तो आज तुम्हारा भाई विदाउट सेफ्टी गियर्स के गाड़ी लेकर आ गया है, है ना। बाकी भाई सच होता हूँ, मेरे को राइड करने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि मुझे इसमें एक प्लस पॉइंट दिखा है भाई। सबसे मेन चीज़ मेरे लिए ये है कि मेरी जो NS है ना, उससे मैं उतनी ज़्यादा कटिंग नहीं कर पाता हूँ, मतलब हर तरह से मुझे ना भाई मेरी NS ज़्यादा बेटर लगती है, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो क्या है कि मेरी NS में ना भाई कटिंग थोड़ी सी कम है और इसकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बस ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे को बस ख़राब लगती है, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती भाई अपनी गाड़ी में। ये मेरा पर्सनल वो है भाई, है ना, कोई इसको मतलब दिल पे मत लेना। बाकी भाई अगर आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए है तो आप मेरे को डिटेल में बता सकते हो। क्या बात है भाई, बंद हो गई थी अचानक चलते चलते। भाई सच बताऊँ ना, इंस्टेंट पिकअप जब लेती है ना गाड़ी, मतलब अलग ही फील देती है भाई। और बाकी वैसे ना अभी गाड़ी बड़ी गंदी हो रखी थी, अभी पहले अपन ने इसको वॉश करवाया,
उसके बाद अपन इसको चला रहे हैं भाई। बाकी सच बता रहा हूँ भाई, कटिंग बड़ी प्यारी है यार। और हमारे आगे चल रही है FZ। सच बताऊँ ना भाई, ये जो FZ है ना न्यू वाली, ये एक मिनी सुपर बाइक जैसी लगती है भाई। देखो पीछे से देख रहे हैं, देख रहे हो पीछे से, अगर आप देखते हो ना इस बाइक को भाई, तो आपको एक मिनी सुपर बाइक जैसी लगेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले इस ऑटो से और कार से आगे निकला जाए, क्योंकि भाई बीच में जब गाड़ियाँ आ जाती हैं डिस्टर्ब करने लगती हैं यार, बोलने का जो फ्लो होता है ना वो डाउन हो जाता है थोड़ा सा। ये भैया रॉन्ग साइड में क्यों आ रहे हैं यार? ओ चाचा भाई, जिसको देखो सामने आया जा रहा है यार, क्या दिक्कत है आज है? बाकी भाई गाड़ी में हमको नहीं पता है फ्यूल व्यूल कितना है, पर फ्यूल तो है भाई। वैसे भी हम कहीं लंबा नहीं गए हैं, सिर्फ अभी हम अपना हेलमेट उठा के आए हैं। हमारा हेलमेट कहीं पर रखा हुआ था भाई, तो हेलमेट वही लेने गए हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इसका भी राइड रिव्यू दिया जाए, छोटा मोटा सा। मतलब डिटेल में तो भाई आपको मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रुक के मिलेगा। पहले आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि भाई आप लोगों को इसके ऊपर किस किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई ये क्या हो गया यार, आगे जाम क्यों लग रहा है? ओह शिट भाई, जाम काफ़ी तगड़ा सा लग रहा है यार। यहाँ से चलते हैं भाई अपन साइड से। ओ भाई यहाँ पे भी मतलब लगा हुआ है। चलो भाई हम भी आ गए। यहाँ से मरते हैं अपन राइट। अरे ये क्या भाई, मतलब आज इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? अरे भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने आज पब्लिक क्यों दिख रही भाई। वैसे तो नहीं दिखती है इतनी पब्लिक। तो बाकी भाई सच बताऊं तो यार अच्छी चल रही है गाड़ी, बड़ी स्मूथ चल रही है। बाकी भाई एक चीज़ अभी तक मैंने टेस्ट नहीं की थी, वो था इसका हैंडलिंग। मतलब हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है भाई। ओह भाई क्या बताऊँ, एक नंबर कटिंग है भाई, एक नंबर भाई, मक्खन है भाई मक्खन। मतलब 125 सीसी के हिसाब से भाई एक नंबर बाइक है। अपनी NS से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि सच बताऊँ तो अपनी जो NS है ना उसमें ज़्यादा अच्छा फील आता है। वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी फील होती है भाई। समझ रहे हो? अब एकदम कैसे करते हो यार, एकदम से ऐसे कोई बीच में आ जाकर फिर तो हो गया काम। तो इंडिकेटर अपन ने दे दिया, इसको थोड़ा सा लगा के देखते हैं। पिकअप भी बढ़िया है भाई, हाँ कंट्रोलिंग में थोड़ी सी कम लग रही भाई। NS थोड़े से जल्दी कंट्रोल होती है, और इसमें थोड़ा सा अभी जब मैंने भगाई और कंट्रोल करके देखी ना भाई, तो मेरे को एक चीज़ फील हुई इसमें कि भाई कंट्रोलिंग थोड़ी सी कम है। बाकी भाई 125 सीसी के हिसाब से मेरे को पिकअप काफ़ी बेटर लग रहा है भाई। कंट्रोलिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है, कंट्रोलिंग थोड़ी मेरी NS से कम लग रही है मुझे इसमें। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है भाई कि वो मेरे हाथ पे चढ़ी हुई है भाई, और ये मैं कभी कभार ही हाथ में लेता हूँ, इसलिए भी हो सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी आज का ये जो वीडियो था ये यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो यार, जल्दी से जल्दी 1K हिट करना है अपन को, है ना? बाकी तुम्हारा भाई घर पहुँचने वाला है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।